सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बनी हुई कमीज के ऊपर जैकेट बनाने का एक आसान सा तरीका। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना होता है कितने इंच की हमें जैकेट बनानी होती है लेंथ में और साइज कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो हमारी वेस्ट होती है, जैसे यहाँ पे हमने वेस्ट का नाप रखा हुआ है 15 इंच, तो हमें 1 इंच यहाँ पे ज्यादा रखनी होती है। जो जैकेट की लेंथ रखेंगे 16, जहां पे कमर आती है 15 इंच पे आएगी, तो हम 16 रखेंगे यहाँ पे लेंथ जैकेट की। ये तो हो जाती है हमारी लेंथ। इसके बाद हम छाती का नाप लेंगे यहाँ पे, जैसे ये 19.5 इंच है तो हम यहाँ पे 20 इंच तैयार रखेंगे, 20 इंच तैयार रखेंगे। और कमर होगी जैसे हमारी यहाँ पे 16.5 इंच, ये होगी हमारी 17 इंच कमर है, तो यहाँ पे कमर रखेंगे 17.5 इंच, 17.5 रखेंगे वेस्ट का नाप। इस तरीके से बने हुए कमीज के साथ में यहाँ पे हम नाप ले सकते हैं। अब हमें कटिंग करनी है, सबसे पहले अस्तर की करेंगे। ये हमारे पास नीचे की साइड अस्तर है, ये हमारे पास जैकेट के लिए कपड़ा है 1 मीटर, और इसी के ऊपर की हमें जैकेट बनानी है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें नीचे की साइड ब्लैक कलर की लेस लगा के दामन पे और स्लिट्स पे ऐसे ये कमीज बनाया हुआ है। ये पंजाबी स्टाइल में पूरा इन्होंने बनवाना है, और आप देख ही रहे होंगे बाजू पे भी हमने लेस लगाई हुई है। ये पीस हमने तैयार किया हुआ है, इसके ऊपर की सिर्फ मैंने आपको सिखानी है जैकेट कैसे कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो नेकलाइन होती है इसके अंदर का एक फर्मा कटिंग होता है जब हम गला कटिंग करते हैं इस तरीके से। जैसे ये यहाँ पे हमने रखा हुआ है, इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि ये हमें जैकेट बनाने में बहुत ही काम आने वाला है। ये चीज आपको कभी भी फेंकनी नहीं होती अगर आपने जैकेट बनानी हो तो। तो आइए शुरू करते हैं कटिंग। ये जो मैंने नाप बताया है, ये नाप हमने यहाँ पे कर लिया है नोट, तो इसी नाप के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, मेन फैब्रिक हमें बाद में कटिंग करना होता है, सबसे पहले हम अस्तर कटिंग करेंगे। तो जो ये अस्तर है हमारे पास, इसको हम इस तरीके से अच्छे से बिछा लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले निशान लगाएंगे हम ऊपर की साइड यहाँ पे ऐसे। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। जैसे कमीज का हमने कटिंग किया है 7 इंच, तो यहाँ पे 8 इंच हमें कटिंग करना है जैकेट के लिए। लेंथ हमने 16 यहाँ पे तैयार रखनी है, तो हम 17 कटिंग करेंगे 17 इंच। इन निशानों को आगे तक बढ़ाएंगे। जो साइज है हमारा यहाँ पे ऊपर से है जैसे 20 इंच, 20 इंच, तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। वेस्ट है हमारी 17.5, तो हम यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से ऐसे जोड़ लेंगे। आगे की साइड लूजिंग रखेंगे, जितना भी आपने एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तकरीबन 2 से 2.5 इंच। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, एक निशान लगाना होगा जिस शेप में हमारी नेकलाइन है। तो नेकलाइन का हमने फरमा यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसमें हमें यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये हमारी नेकलाइन तैयार रहेगी। अब हमें इसकी बाहर की साइड एक निशान लगाना है 1-1 इंच के ऊपर। यहाँ पे 1 इंच लेंगे इस तरीके से, और यहां से हमें गोलाई डालनी होती है। सबसे पहले ये निशान सीधा लगा लेंगे और यहां से डालेंगे गोलाई। अब यहां पे इस तरीके से इन निशानों को ऐसे जोड़ेंगे। ये हमारी फ्रंट की सेव आ जाएगी। अब लगाएंगे हम यहां पे शोल्डर का निशान। तो यहां से शोल्डर आप कम ज्यादा जितना भी आपको रखने हो उतने रख सकते हैं। अगर आप जैकेट के शोल्डर छोटे रखते हो तो ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हम इसके जो शोल्डर कटिंग करेंगे 13 इंच करेंगे, 13 इंच, जो कि हमारी 12 इंच तैयार आ जाएंगे। यहाँ पे भी हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे 6.5 पे,
जितना हमने ऊपर से रखना है 6.5 इतना ही हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे रखना होता है 6.5। और यहां से हम सीधा एक निशान लगाएंगे, यहाँ पे आपको कोई सेब नहीं डालनी है, जैसे अंदर की साइड डलती है ऐसे जैकेट में नहीं डाली जाती। और यहां से हम गिरी हुई जो पड़ी हुई गोलाई होती है वो डालेंगे, एक गोलाई होती है यहाँ पे खड़ी हुई ऐसे, ये नहीं डालनी है, हल्की सी आपने यहाँ पे इस तरीके से ये गोलाई डालनी है ऐसे। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करेंगे। यहां से सीधी कटिंग करेंगे, गोलाई हम बाद में देंगे, पहले हम बैक साइड भी यहां पे कटिंग कर लेते हैं। तो बैक साइड के लिए हमने नीचे अस्तर बिछा लिया है और ऊपर यहां पे ये फ्रंट होगा। इस निशान से हम बाहर की साइड एक निशान लगाएंगे, तकरीबन 1 इंच पे लगाएंगे, और इस निशान को शोल्डर से ऐसे जोड़ लेंगे और यहां पे भी हल्की सी गोलाई डालेंगे ऐसे। बैक साइड 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे और यहां पे इस निशान के ऊपर कटिंग करते हुए ऐसे कटिंग करेंगे, नीचे से यहां पे सीधी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहां पे फ्रंट और बैक का अस्तर कटिंग कर लिया है। अब हमें यहां पे कटिंग करनी है, तो इसके लिए भी हमें यहां पे ऐसे रखना होगा ताकि हमारा हाथ सीधा पड़े। और इस निशान से बाहर की साइड जितना हमें मार्जिन लेना होता है एक पैर का गैप रखते हुए इस तरीके से यहां पे हम कटिंग करते जाएंगे और यहां पे डाल देंगे गोलाई। ये हमें फ्रंट फ्रंट कटिंग करना है, बैक साइड हमारी ऐसे ही रहेगी। और अब बैक साइड की नेकलाइन कटिंग करेंगे, जितना भी आपको यहाँ पे बैक के लिए डीप रखना होता है तकरीबन 2.5 इंच रखते हैं जैकेट में, और यहाँ पे इस तरीके से गोलाई डाल लेंगे ऐसे। ये हमारी बैक साइड की नेकलाइन आ जाती है। इस तरीके से हमने अस्तर यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से हम जो हमारे पास मेन फैब्रिक है ये भी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों कटिंग हमने मेन फैब्रिक की भी कर ली है, यहाँ पे ये हमारी बैक साइड होगी और ये होगा हमारा फ्रंट। तो अब चलते हैं हम मशीन के ऊपर और सीखते हैं इसकी स्टिचिंग भी। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो अस्तर को अटैच करने का होता है। तो यहाँ पे बैक साइड का भी अस्तर है और फ्रंट का भी है, यहाँ पे हम अस्तर को ज्वाइंट कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे रख के दिखाऊंगा कैसे ज्वाइंट करते हैं। जो ये रोंग साइड है हमारी ये वाली, इस पे रखेंगे हम यहाँ पे अस्तर इस तरीके से ऐसे, और अच्छे से इसको इस तरीके से मिलाते हुए, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए। एक पैर की सिलाई से अटैच कर लेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे और इस तरीके से सिलाई लेते हुए यहां तक कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अस्तर यहां पे ज्वाइंट कर लिए हैं, आप देख ही रहे होंगे यहां पे सिलाई। अस्तर जोड़ने के बाद जैसे फ्रंट का जोड़ना होता है तरीका सेम होता है, बैक साइड का भी वैसे ही जोड़ना होता है। ये भी हमने यहाँ पे अस्तर ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करना है, फ्रंट बैक का जो शोल्डर होता है ये इस तरीके से आपस में जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने शोल्डर कर लिए हैं ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद अब हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक निशान सेंटर में लगाएंगे और एक निशान ऊपर नीचे लगा लेंगे ऐसे, और आमने सामने दोनों साइड में ऐसे ही निशान लगाते हैं बिल्कुल फिक्स
ऊपर नीचे ना हो, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लगाए हैं सेम वैसे ही आपने भी निशान लगाने हैं। और बारीक डोरी बनानी है, बारीक डोरी बनाई है मैंने जिसमें से ये लुप्पी बनाई हुई है ऐसे, इनको हमें यहाँ पे अटैच करना है इस तरीके से रखते हुए। यहाँ पे इनको अटैच करेंगे और थोड़ा थोड़ा बाहर की साइड दिखाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमने तीन लुप्पियां अटैच कर ली हैं। सेम इसी तरीके से हम इस साइड भी तीनों निशानों के ऊपर यहाँ पे ये लुप्पी अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने लुप्पी यहाँ पे लगा ली है आपस में, आप देख ही रहे होंगे आमने सामने। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक और रेब की पट्टी कटिंग करनी है तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई वाली। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ाई वाली और रेब वाली पट्टी कटिंग की हुई है। इसको हम डबल करते हैं और एक साइड से यहाँ पे अटैच करने की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे जो मार्जिन रखेंगे एक पैर का रखेंगे, ये आपने ध्यान रखना है, ज्यादा मार्जिन नहीं लेना है। और रेब की पट्टी हमने इसलिए ली है ताकि ये गोलाई में अच्छे से सेट हो जाए, बैठ जाए। बैक साइड में भी हम सेम इसी तरीके से इसको घुमा देंगे। जहां पे जोड़ होता है पट्टी का वो इस तरीके से चीरना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है इतना कपड़ा नहीं बचता तो जोड़ लगाना पड़ता है, इसलिए जोड़ को चीर ले। कहीं पे अगर आपको मार्जिन ज्यादा लगता है तो उसको बराबर कर लें और इसको अच्छे से फिनिश करें। अब हम जहां जहां पे गोलाई आती है वहां पे हल्के हल्के ऐसे कट लगाएंगे, जैसे बैक साइड में भी गोलाई आएगी तो हल्का सा यहाँ पे कट लगा लेंगे।
यहाँ पे जो हमने ओरे वाली पट्टी लगाई है इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई हमें किनारे की लगानी है, ये ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे फ्रंट में सिलाई लगा ली है, नजदीक से देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे आएगी ये सिलाई। जब हम इसको अंदर की साइड अब फोल्ड करेंगे पट्टी को, तो ये ऐसे बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ में आ जाएगी। तो यहाँ पे पूरी ये सिलाई मैं कंप्लीट करके और इसको प्रेस से अच्छे से सेट करके बिठाते हुए उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे पूरी से। तो दोस्तों हमने ओरे की पट्टी पे सिलाई लगाने के बाद प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर लिया है, तो आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी से यहाँ पे बैठ जाती है खुद पे खुद ही, पूरी गोलाई में बिल्कुल फिक्स बैठेगी, कहीं पे कोई अल्टर नहीं आएगी। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई करना चाहते हैं तो सिलाई भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। दोस्तों सिलाई हमने लगा ली है, अब हम यहाँ पे आर्म होल पे भी पट्टी लगा लेंगे। तरीका सेम होता है, जैसे हमने यहाँ पे ये लगाई है इसी तरीके से यहाँ पे भी हम पट्टी लगा लेंगे ओरिव वाली, और उसको भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आर्म होल की भी हमने दोनों साइड की यहाँ पे पट्टी लगा ली है ओरिव वाली, जैसे हम ये लगाते हैं सेम वही तरीका होता है। अब हमें साइज तैयार करना है, तो ऊपर से रखना है हमें 20 इंच और कमर से रखना है 17.5 इंच। तो यहां से 10 इंच इधर लेंगे सेंटर पॉइंट से, और सेंटर पॉइंट से ही 10 इंच इधर लेंगे। इसी तरीके से कमर जैसे हमारी 17.5 है तो 9.25 इंच लेंगे यहाँ पे, और 9.25 इंच ही इस साइड में लेंगे। अब इनको हम आपस में ऐसे निशान को मिलाते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। इस साइड से यहाँ पे ऐसे इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे सिलाई लगा ली है। ऐसे ही हम इस साइड की सिलाई लगाएंगे, और फिर जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ये हम यहाँ पे फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी इसमें पट्टी लगा देंगे जैसे ये लगाई है, और ऐसे हमारी जैकेट यहाँ पे तैयार हो जाएगी।
तो ये पूरी जैकेट मैं आपको रेडी करके फिट दिखाता हूँ कटिंग टेबल पे, कितनी प्यारी सी हमारी ये जैकेट तैयार हुई है। तो दोस्तों दोनों साइड की हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है और नीचे की साइड यहाँ पे भी पट्टी लगा दी है जैसे आप देख रहे हो, तो नीचे से भी पूरी हमारी यहाँ पे फिनिशिंग हो जाएगी और बहुत ही प्यारी सी हमने यहाँ पे जैकेट बना करके आपको दिखाई है कमीज के साथ की। तो यहाँ पे पूरा आर्महोल और ये आप देख ही रहेंगे पूरी गोलाई किस तरीके से फिनिशिंग के साथ में हमने नेकलाइन ये तैयार की है, और ये हमने छोटी छोटी तीन डोरी इधर लगाई है, तीन लुपियां इधर डोरी लुपी जो होती हैं, और उनमें एक काफी लंबाई वाली डोरी लगाते हुए इस तरीके से हमने क्रॉस में लगाते हुए डाल दी है, जैसे क्रॉस होता है ऊपर से इस तरीके से क्रॉस करते हुए डालते हैं। और यहाँ पे देख ही रहे होंगे बहुत ही प्यारा सा हमने यहाँ पे ये डिजाइन कंप्लीट किया है। अब मैं आपको इसको शर्ट के ऊपर डाल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों कमीज के ऊपर हमने यहाँ पे जैकेट ये डाल दी है और आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी हमारी यहाँ पे शेप आई है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।